बहुत हार्ड एंड अभी पुश करते हुए एंड यहाँ पर पूरा क्लियर ऑफ कर देगा। एंड रेबल इधर सामने बैठे अकेले बंदा है, रेबल यहाँ पर क्लियर आउट एंड वेट भी यहाँ पर बहुत ही प्यारा तरीके से एक स्क्वाड क्लियर आउट 7 किल्स था ब्लाइंड की तरफ से। एंड यहाँ पर एट बीट ने 4 किल निकाल चुका अपने टीम के लिए। वार कप साइड उधर फाइट हो चुका है, वार वर्सेस आईएनडी, क्या आईएनडी एंड वार पर ट्रेड नॉक हुआ जितना मैंने देख पा रहा हूँ। यस वार से वैम्पायर नॉक है एंड आईएनडी से उधर क्रेटोस नॉक है, तो आईजीएल नॉक है क्रेटोस एंड क्रेटोस को बचाया जा सकता है। लेफ्ट तरफ किस तरीके से लेफ्ट साइड से पड़ रहा है इधर वार मवियन दलजीत के साइड से, लेकिन यहाँ पर स्मोक वॉल बनाया जाएगा एंड ओवर यही होता है अच्छे टीम से कि क्या ट्रांस का कवर फायर, पीछे सिन्हा जी का स्क्वाड आ गया था, बहुत ही सही तरीके से कवर फायर आया। लेकिन अभी सैंडविच हो चुके हैं, कब तक बचेंगे सिन्हा जी, अभी पीछे से थर्ड पार्टी करने आ चुके हैं इधर आईएनडी, बचने लिटरली बहुत ही कम चांस है। नेक्स्ट एक और स्मोक बनाना चाहिए, आई डोंट नो उसके पास स्मोक है कि नहीं। सिनर्जी को पीछे से ट्रॉलर्स का डैमेज पड़ता है, तो सिनर्जी इधर फंस चुका है उल्टा। क्रेटोस एंड इधर पूरा आईएनडी का स्क्वाड डाउन बाय ओआर एंडो विद दैट व्हीकल ब्लश एंड व्हीकल से इधर पूरा 4 के इधर पूरा तीनों के आईएनडी पूरा स्क्वाड क्लियर आउट होते हुए। आरएक्सएन से गोल्ड ब्लड एंड की मूवमेंट देते हुए साइपर उधर डाउन था एंड इधर बीएसजी का स्क्वाड स्पॉटेड है, क्या ये लोग स्प्रे करेंगे? एक भी अंदर यहाँ पर नॉकआउट कर सकते हैं तो पुश कर सकते हैं। इधर पीछे एक स्क्वाड आते हुए दैट इज बीटीसी बॉलर्स, गब्बर यहाँ से रोटेट करते हुए, गब्बर यहाँ पर बहुत ही कम स्पीड सोनिक यहाँ पर नॉकआउट कर चुके एनटीटी के स्क्वाड को, कीकी ने इधर गब्बर को डाउन किया। डार्क यहाँ पर बचे अपने टीम से लास्ट एंड थोड़ा बंदा संगवान के ऊपर स्प्रे करते हुए एंड की इधर डार्क को होल्ड करना चाहिए क्योंकि अकेले बंदा है एंड फाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आईडी से लूसीफर बचे से रिमेनिंग तीन बंदे डाउन है, एडीजी ब्रॉलर्स का डार्क वहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं लूसीफर का, लूसीफर भी उसको स्पॉट कर लिया है लेकिन लूसीफर को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। मूवमेंट देता है जोन तो बन चुका है, इसी ब्रॉलर्स के डार्क के ऊपर चलते हैं, वो तो पूरा जोन उसके ऊपर प्रेफर किया है एंड लूसीफर उधर डाउन हो चुके हैं। चलो सेल्स का स्क्वाड इधर रोटेट देगा, सेल्स का स्क्वाड अब सिर्फ 2 ही किल निकाला है लेकिन द मेन थिंग इज वाला मैच है किनल ले जाएगा एंटो यहां पर उधर टीपी सामने से जो प्ले करेगा एंड सामने वाले टीम के लिए बहुत खराब हो चुके हैं। ओवर का टीम एक बंदा अगर कुछ लेफ्ट साइड पे जाता है एंड वो बोलने के साथ ऑलरेडी मवी मूवमेंट दे भी चुका है और ज्यादा एंगल बनाने की कोशिश, जो मैं बोल रहा था वो यहां पर मवी ऑलरेडी कर भी चुका है, तो वही होता है भाई प्रैक्टिस एंड बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग। डाउन हो गया भाई मवी, दैट्स कार्डन 4x M249 भी है, वासु भी यहाँ पर डाउन भाई मवी, बहुत ही प्यारा गन चेंज करके M249 लेके पुश करेगा, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है मवी डायरेक्ट लैमिंग नहीं कर रहे क्योंकि मुश्किल अगर वहाँ पर एक बंदा भी हो मवी यहाँ पर नॉक होता है तो मवी का बचने का चांस इसलिए 0 होता है एंड मवी यहाँ पर जो पोजिशन में होल्ड किया है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि लेफ्ट की तरफ से उसको डैमेज पड़ेगा। सिनर्जी के पास यहाँ पर डाउन है, वैम्पायर को यहाँ पर नॉक करते हुए दलजीत को भी यहाँ पर ऑस्टिन ने नॉक किया, भाई क्या खेला ऑस्टिन ने, यहाँ पर एक बंदा दलजीत को पूरा कंफर्म करते हुए क्या ही खेला ऑस्टिन, एंटो को भी 10 HP का देखा, चारों बंदे सेंटर ऑफ द जोन है। सेल के स्क्वाड का स्पॉट कर चुका थ्री लोग एंड थ्री लोग का इम्पोर्ट 6S निकाल चुका, ग्रोजा है दूसरे हाथ में क्लोज के लिए, भाई बहुत ही बढ़िया गन है लेकिन वेस्ट के ऊपर ध्यान देगा तो लेवल 1 वेस्ट एंड विद दैट 50% HP कम है उसके लिए एंड ये और ज्यादा मुश्किल होगा। अक्षय यहाँ पर रोटेट देते हो माई बैट एंड थ्री लोग का इम्पोर्ट स्प्रे सेल के ऊपर आता है कि नहीं देखने को मिलेगा, लेट्स गो। लेकिन डार्क छुप के बैठा है, उसने स्पॉट तो किया है, यहाँ पर नॉकआउट करता है संगवान एंड यहाँ पर क्लियर आउट कर सकता था लेकिन पीछे आ चुका डार्क, यहाँ पर कैसे भी करके होल्ड करके बैठा, पीछे से केकी वहां पर जोन के अंदर मूवमेंट दे रहा था एंड इवो के हाथ में वो क्लियर आउट हो चुका है। ओवर का स्क्वाड हाइडीज होल्ड करके बैठा है, ओवर को भी जोन के लिए मूवमेंट देना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट जोन, सेल्स को भी नेक्स्ट जोन के लिए मूवमेंट देना पड़ेगा एंड अकेला स्क्वाड दैट इज टीम नंबर 4 जो जोन के अंदर है एंड वो ये टीम दैट इज 8-bit ये मैच के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा होगा उन लोगों पर क्योंकि चारों साइड से स्क्वाड उन लोगों पर पुश करेगा। तीनों को उधर रोजा यहाँ पर एक बंदा आतंकी को नॉकआउट एंड उधर स्नॉटिक नॉकआउट हो चुका है, सेल्स से दो बंदे नॉक है एंड अक्षय का उधर भाई अक्षत को अक्षय ने ओम का बॉडी शॉट देकर नॉकआउट कर चुके हैं, इल्यूशन बचे हैं अभी थ्री लोग को घुस जाना चाहिए। उधर ग्रोजा एक नेट करने की कोशिश, नेट नहीं है देख लिया अपने पास लेकिन थ्री लोग को पीछे से डैमेज पड़ रहा है, थ्री लोग यहां पर पुश करेगा अक्षय उधर लेफ्ट से आ चुका उधर व्हीकल एंड इल्यूशन यहां पर डाउन कर सेल का स्क्वाड यहां पर क्लियर आउट बाय 8-bit बहुत प्यारा खेल रहा है 8-bit 9 किल्स निकाल चुका अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट को इधर रिवाइव देगा ऑलरेडी यहां पर क्या ही खेल है। ओवर का स्क्वाड को मूवमेंट देना पड़ेगा एंड मवी इधर जोन के अंदर आ चुका है 1 मीटर जोन के अंदर, बहुत अच्छा रीच बोल सकते हो। ईटीसी बॉलर्स के डार्क जो अकेले बचे थे वो पीछे सांगवान को नॉकआउट कर चुके हैं एंड क्या वो मूवमेंट देगा जोन के अंदर या सांगवान को पूरा क्लियर आउट करके ही जाएगा क्योंकि उसको बताया इस पोजिशन में चिकन डिनर लेना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, अकेले बंदा बचा है सांगवान को, अक्षय का पोजिशन बहुत ही सही है एंड मवी को यहाँ पर स्पॉट करते हुए त्रिलोक यहाँ पर बहुत
टी खराब लग रहा होगा त्रिलोक को, भाई क्या ही सीन कर दे, उधर सीजी नॉकआउट हो चुका भाई। ओ भाई अक्षय बैक गियर में गाड़ी लेके आ गया भाई, बैक गियर में ही भाई बंदा बहुत आज सीजी को क्लियर करते। ओवर एंटो, ओवर से एंटो बचे हैं, वैम्पायर बचे हैं एंड दलजीत वहां पर डाउन हो चुके थे। एंटो के पास यहाँ पर जोन नहीं है, 25 मीटर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। एंटो के एंगल बन रहा था, एंटो स्प्रे करने की कोशिश करते हुए अभी मेट की पिक ऑफ कर लेगा। मवी वहां पर होल्ड कर बैठे एंड देखते हैं क्या मवी एक नेट कर पाता कि नहीं, एक नेट से वहां पर मुश्किल पैदा हो सकता है। वैम्पायर पीछे फाइट लेते हुए इधर वीएसजी, वीएसजी के दो बंदे बचे एंड अभी वीएसजी को जोन के अंदर होल्ड करने की कोशिश करते हैं। राइट पे एक स्मोक कर दिया गया, लेफ्ट साइड डोलो फाइट लेंगे। अक्षय ने भी ऐसी इवो को नॉकआउट कर चुके हैं, इवो यहाँ पर डाउन। सांगवान बचे अपने टीम से लास्ट बंदा, वैम्पायर क्लोजिंग करते सांगवान के ऊपर एंड सांगवान यहाँ पर बच गया। यहाँ पर वैम्पायर 6-6 फुल था ऑलमोस्ट एंड वो इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था। 8 बिट की टीम से दो ही बंदे बचे एंड ओआर से तीन बंदे, क्या ओआर है मतलब मैच का चिकन लेके जा पाएगा। बॉली आ चुका है, अक्षय थोड़ी भाई बच गया, अक्षय की इस पोजीशन में वो ऑम चला रहा है एंड अगर एक एक शॉट आ जाता है इस मूवमेंट में दैट्स गोना बी एपिक फॉर हिम। तिलोक उधर ग्रोज आ, तिलोक यहाँ पर एफोर्ट करते करते हुए सामने एंटो के ऊपर, मवी का बहुत प्यारा कवर फाइट। तिलोक लिटरली 10 एचपी आ चुका है एंड उसको पता है मवी क्योंकि सामने वाला बंदा बहुत डैमेज खा रहा है, बट फुल फ्री फायर देकर जाते हुए दबाव के घुस जा रहा है इधर मवी एंड उधर तिलोक बहुत ही कम एचपी के साथ था, वो फुल हिल कर चुका है। अक्षय तिलोक को चैन, अक्षय यहाँ पर डैमेज खा रहे पूछ करते हैं तो बहुत गंदा सीन हो सकता है। एक टेंट कूदा, इस टेंट से शायद मवी क्लियर आउट हो जाएगा एंड उस नेट से यहाँ पर मवी को उससे पहले क्लियर आउट। वैम्पायर गॉट नॉकआउट बाय एंटोर्स नेट आई थिंक यस एंड अभी 1v2 सिचुएशन से 1v1 हो गया। एंटो वर्सेस अक्षय कौन लेकर जाएगा चिकन डिनर एंड 8 बिट गॉट दैट चिकन डिनर बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक छोटी सी गलती दैट मेड एंड ओआर ने अपना चिकन यहाँ पर खो दिया है। 8 बिट जी जी 8 बिट।